मोदी जी के आने से लोग कह रहा है बड़ा विकास हो रहा है। अगर विकास हो भी रहा है तो गुजरात में हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है तो गुजरात में बन रहा है, फैक्ट्री रोजगार तो गुजरात महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, बिहार में तो फैक्ट्री कोई लगी नहीं। 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 बरस में वोट मांगने के सिवा कभी मोदी जी ने अगर एक बैठक करने के लिए बिहार आए हो कि भैया बिहार का विकास कैसे हो, गुजरात कम से कम 50 बार गए हैं, दूसरे राज्यों में हर 2 महीना पर जा रहे हैं, बिहार में तभी आते हैं जब वोट लेना होता है। आप कभी ये सोचे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। उसी गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात के होने के बावजूद गुजरात के लोग उनको वोट तब देंगे जब वहां फैक्ट्री लगेगी, विकास होगा, रोजगार होगा। और उनको ये भी मालूम है कि बिहार के लोगों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार के लोग मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, 4 किलो अनाज के नाम पर ही जब वोट आप दे दीजिएगा तो मोदी जी यहाँ फैक्ट्री क्यों लगवाएं? लोग कह रहा है इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, जिसको जो कह देंगे वही करेगा। कभी आप घर में युवा के तौर पर बैठ के आपने सोचा है कि मोदी जी किसी बड़े उद्योगपति को ये क्यों नहीं कहते कि बिहार में जाके भैया फैक्ट्री लगाओ? किस उद्योगपति का हिम्मत है कि अगर मोदी जी कह दें कि आपको बिहार में फैक्ट्री लगाना है तो कौन उद्योगपति ना बोल देगा, बताइए जरा। तो मोदी जी क्यों बोले? बिहार से 10,000-12,000 रुपया में मजदूर मिल ही रहा है, वो जाकर गुजरात में फैक्ट्री में मजदूरी कर ही रहा है, गुजरात में और दूसरे राज्यों में तरक्की हो रही है और बिहार के लोग बेवकूफ बनकर कमल का वोट दबा रहे हैं। तो जब आप अपने बंधुआ मजदूर बन गए हैं, कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया लालू जी का, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया मोदी जी का, तो आपके और हमारे बच्चों का कल्याण होगा कैसे, बिहार में काम होगा कैसे?